रानी कमलापति स्टेशन, जिसका पहले नाम था हबीबगंज, हबीबगंज से चेंज हो गया रानी कमलापति। इंडिया का बेस्ट, एकदम क्या बोले, एक नंबर का, जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। इसमें देखो तल घर वाला है यार, अंदर से मतलब अंडरग्राउंड, इसमें इस साइड से उस साइड जा सकते हैं अपन। इंडिया का नंबर वन रेलवे स्टेशन है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है और सुविधा होती है। ये देखो अभी हम जा रहे हैं तल अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड आर के पार। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां मेरा। वाव यार देखो, फैसिलिटी देखो यहाँ की, एकदम यार ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ही नहीं है, अपन विदेश चले गए, अपन इंडिया में ही नहीं है। पूरे विदेशों वाली क्वालिटी दे दी है यहाँ पर। वाह, ऐसा रेलवे स्टेशन मैंने इंडिया में आज तक नहीं देखा गाइस। तो ये है भोपाल, मध्य प्रदेश, MP, जो भारत की शान, जान, आन, बान, धान, जय हिंद, जय भारत। हमको इधर जाना है, अरे तो फिर इधर, सॉरी हमको इधर जाना है। वाओ गाइस, फैसिलिटी देखो अंदर की, एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं इस देश में नहीं हूँ, मैं हूँ विदेश में आ गया हूँ। मतलब काम देखो यार, तरीके से एकदम ऐसा लग नहीं रहा इंडिया का, इंडिया में इस तरीके से काम हो सकता है। अब भाई इंडिया भी तरक्की में आ गया है। तो गाइस जरूर अगर भोपाल आओ तो पूरा रानी कमलापति स्टेशन पूरा घूम कर जाओ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। ला 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 ला, हे हे हे, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1। कोई कहता है, कोई सुनाता है, मुझे तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं जमीन के अंदर हूँ यार। तुझे से मैं बया क्या कर। वाओ, सो गाइस अभी दिखाते हैं आपको, ये है फ्रूट कैफे। यहाँ सब मतलब ऑल टोटल सुविधाएं उपलब्ध है, फैसिलिटी के साथ एकदम बोले तो यार वर्ड ही नहीं है। तो जैसे दिखाते अभी, चलो राइट। वाह क्या काम है, काम तमाम है। आर यू मैड यार, रानी कमलापति सही में महल की जगह बना दिया। यहाँ पर पंखा नहीं, यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा पंखा लगा है। ये लो इंडिया का सबसे बड़ा पंखा, बोले तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है विश्व का ही पंखा मात्र सबसे बड़ा। सुना सुना है जहां, वाह 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 वाह, रानी कमलापति महलों से भी कम है। अरे मैं कभी कभी तो रेलवे स्टेशन नहीं लगता मुझे, कभी कभी ऐसा लगता है मॉल में आ गया हूँ, कन्फ्यूजन लगता है भी ऊपर जाऊँगा ना, पर फैसिलिटीज। चल सुबह ऊपर ऊपर दिखाता हूँ, देखो ऊपर गया तू, चला चलो गाइस, चलो आपको अब मैं ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर की फैसिलिटीज दिखाता हूँ। ऐसा लगता है चलो रेलवे स्टेशन है या मॉल है बै। मैं तो इससे जाऊँगा। तो गाइस फैसिलिटी तो ओसम है, वाह यार। ये देखो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, अभी हम ऊपर जाना है, ऊपर चला, ऊपर जाना है। क्या मैं बना थोड़ी रहा हूँ, मजा ही मजा है। ये देखो बाप जी के बाबा, ये अपने
बुद्ध बाबा। गाइस 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 सीधी 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 आपने बताया दिया था मौसम है समय आप ठीक है गाइस गाइस लाजवाब रेलवे स्टेशन है यार। देख 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 ये देखिए 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 लग रहा है ना बाबा जी असली है असली असली है असली है बाबा असली ये है असली। अरे इधर आ रे शुभम असली असली गाइस फैसिलिटी की बात करें ना यार तो ऑसम है यार। देखो यार ऊपर में ऐसा लग नहीं रहा कि मैं रेलवे स्टेशन में पूरी बैठने की सुविधा पूरा मॉल जैसा मतलब क्या ही बताए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं देश में। तो गाइस ये देखो बैठने की सुविधा ये बैठने की सुविधा है पूरी यहाँ पर पूरा बैठा जाता है। देन ये पूरी शॉपें लगी हुई है लिफ्ट है। और यार आप ही बता देना यार कि कमेंट में कैसा लगा रानी कमलापति का नया महल। बोले तो स्टेशन भाई एकदम असली बाबा यार मतलब एकदम काम ना इतना खतरनाक हुआ है यार ऐसा लगता है नहीं ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट आ गया आदमी मतलब एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ जाती है एक और एक मतलब एक नई जगहों में आ गया ऐसा फीलिंग आ जाती है यार। क्लीनिंग से लेके हर चीज़ वर्कर से लेके मतलब काम से लेके पूरा स्टेशन ही माहौल है बाबा एकदम है। ये देखो अभी तो मैं ऊपर लेके आ गया ना आपको ये बंदा घूम रहा है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताना कि रानी जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि रानी कमलापति स्टेशन भोपाल कैसा लगा आप लोग को गाइस। और अगर कोई भोपाल आए घूमने तो ये स्टेशन भी ज़रूर घूमने आए। इंडिया का नंबर वन स्टेशन बन चुका फैसिलिटीज एंड वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई सब रसों से बड़े है जग में दिल से दिल की लड़ाई। गाइस गाइस ऑसम तो मैंने गाइस पूरा आपको दिखा दिया तो फिर प्लीज़ यार एक लाइक एक सब्सक्राइब भाई के लिए भाई ऐसे नए नए वीडियो लेके आते रहेगा पूरा भोपाल घुमाएगा भाई तुमको यार। तो मैं अभी नीचे भी दिखाऊंगा कि बाहर से ये कैसा दिखता है तो वीडियो को पूरा देखना स्किप मत करना। ऑल टोटल मैं अभी बाहर जाऊंगा यहाँ से बाहर जाऊंगा बाहर का नक्शा कैसे दिखता है पूरा दिखाऊंगा ओके। देख लिया है प्लेटफॉर्म दिखा दिया मॉल वाला सीन दिखा दिया आप जा रहा हूँ मैं नीचे शुई करके उससे किससे क्या बोलते हैं यार उसको वो ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन ऑटोमेटिक चलने वाली पायरी पायरी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं मैं उससे चल के भी नीचे जाऊँगा तो अभी आपको बाहर सीन दिखा रहा हूँ मेरी जान सब ऊपर ही चढ़ने वाला तो नीचे उतरने वाला कौन था ब्यूटीफुल फाइनली अब आ चुके हैं नीचे अब जा रहे हैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं पैदल जा रहा हूँ पैदल मत तर के जा रहा हूँ थक चुका हूँ यार। सो जूम 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 बराबर जूम बराबर जूम बराबर जूम वहाँ टिकट काउंटर है बराबर तो आ गए हम बाहर। ये है बंसल हॉल और मैं दिखाऊंगा आपको पहाड़ का सीन। तो रुको रुको थोड़ा धीरज रखो दिखाता हूँ अभी तो बंसल हॉल नहीं दिखाया हूँ बाहर का सीन ही तो देखना है ना। तो उससे पहले अपन एक दो और तीन
3, ये है रानी कमला पट्टी। ये है बाहर, किधर से आई है, इधर से चल, इधर से। तो ये है एंट्री, ये रहा रानी कमला पट्टी। ऐसा है पूरा पार्किंग वाला एरिया, ये पूरा पार्किंग, और ये बंसल ऑन लास्ट में, और वो रहा गेट, और ये रहा मेट्रो। तो यहाँ मिल रही मेट्रो, मेट्रो के बाद तो फिर यहाँ का माहौल हो जाएगा ख़तरनाक। तो गाइस वीडियो अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब शेयर, बिल्कुल भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत।